हेलो फ्रेंड्स, आज जस्टिस लीग हीरोज का छोटा सा गेम रिव्यू करेंगे। जस्टिस लीग वही एनिमेटेड सीरीज है कि जस्टिस लीग गेम से तो खाली जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज याद आती है लोगों को, और ये वही सुपर हीरो है जस्टिस लीग एनिमेटेड सीरीज वाले, और इसमें 3D 2D इफेक्ट के साथ है ये जस्टिस लीग हीरोज। उन्हें देखने का काफ़ी मज़ेदार भी है, और हाँ, अच्छा बैटमैन वो वाले इसकी आँखें बिल्कुल वाइट है, वाइट आइज वाला बैटमैन, ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें सुपर हीरोज जस्टिस लीग के शुरुआत में 5 मेंबर्स दिखाए हैं। वैसे 5 क्या, मतलब ज़्यादा गलत बोल रहा हूँ मैं, मतलब 7 मेंबर्स हो गए। हालांकि जस्टिस लीग गेम में और भी अदर मेंबर्स भी है, जैसे सुपर गर्ल एंड और अदर ग्रीन लैंटर्न, और इसके अलावा और भी ग्रीन एरो, मतलब और भी सुपर हीरोज मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने सुपर हीरो को। हालांकि बिल्कुल सिनेमेटिक तरीके से गेम को बनाया गया है, सिनेमेटिक सीन बहुत ज़्यादा हैं, तो गेम प्ले मैं नहीं दिखा सकता दोस्तों, पर अगर मार्वल अल्टीमेट अलायंस के बारे में सुना है तो वैसे ही इसका गेम प्ले है कुछ हद तक। और इसमें हाँ, सुपर हीरो का तो आप लगभग हर मूव वेरी इजीली यूज़ कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं अदर्स मेंबर एंड कस्टमाइज। इसके अलावा गेम बहुत अच्छी है, तो आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, प्लेइंग स्टेशन 2 और PS3 और PC गेम में भी अवेलेबल है, और एक्सबॉक्स तो बोल ही दिया शायद मैंने, इसी तरह की गेम में अवेलेबल है, तो आप जरूर ट्राई करना चाहेंगे तो ट्राई करिए। और PSP में भी अवेलेबल है, मैंने गेम प्ले लक्स डाल रखा है, जाओ देख सकते हो। फिर मिलते हैं, बाय बाय।